Hello guys, welcome back again. Today's topic will be uniaxial bending in columns. So this video will be in Hindi because I think this is a very confusing topic and it's better if I explain this to you in Hindi. So let's get started. So जैसे कि हम जानते हैं कि कॉलम जो एक है एक कंप्रेशन मेंबर है तो हम ये एज्यूम करते हैं उसे डिज़ाइन करते वक्त के जो लोड उस पर एक्ट हो रहा है वो एक एक्शियल लोड है जो कि उसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा है. सो ये एक एक्शियल लोड है, ठीक है. लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि वो लोड कभी एक्शियल होता नहीं है. इसका कारण क्या हो सकता है, कभी कभी प्रॉपरली कास्ट नहीं होता है कॉलम, कभी जो जो साइज़ से हम जो साइज़ में हमें कास्ट करना था वो साइज़ आती नहीं है, और भी उसका रीज़न होता है. तो इस वजह से क्या होता है कि लोड को जहाँ एक्ट होना होता है वहाँ एक्ट नहीं होता, तो वो एक एक्सेंट्रिसिटी रखता है. जैसे ये ई मैंने बताया यहाँ पे, तो इस वजह से क्या होता है एक मोमेंट जनरेट होता है जिसका वैल्यू होता है पी इंटू ई, और ये मोमेंट तब भी जनरेट होगा जब हम कॉलम बीम और स्लैब एक साथ कास्ट करते हैं जिसे मोनोलिथिक डिज़ाइन कहते हैं, तो ये मोमेंट तब भी जनरेट होगा. तो अब क्या होगा जब ये लोड एक्सेंट्रिक होगा जिसे एक्सेंट्रिक लोड बोलते हैं, उससे एक मोमेंट भी जनरेट होगा प्लस इसके साथ में जो फोर्स जो नॉर्मल जो कंप्रेसिव फोर्स है वो भी एक्ट होगी कॉलम पे, जिसका वैल्यू होगा पी यू सी, ठीक है. और ये एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, एम अपॉन पी यू सी. अभी जितनी एक्सेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी वैसा कॉलम डिफरेंटली एक्ट होगा. जैसे अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये कॉलम का प्लान है, मैं अज्यूम करता हूँ कि एक्सेंट्रिसिटी इतनी है ई और ये लोड यहाँ पर एक्ट हो रहा है पी. सो जैसे जैसे मैं एक्सेंट्रिसिटी बढ़ाते जाऊँगा इसकी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो होगी घटती जाएगी. मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये एक्चुअल कॉलम है, तो इसका जो स्ट्रेन डायग्राम होता है ऐसा बनता है, ये पूरा के पूरा एक ब्लॉक होता है जिसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 0.002. लेकिन अगर मैं एक्सेंट्रिसिटी बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी डेप्थ कम होती जाएगी, यहाँ से नीचे से कम होते 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 ऊपर चलती जाएगी. तो क्या होगा अगर मैं इसे कम कर दिया तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ शायद यहाँ भी हो सकती है, शायद इसके एच पे भी हो सकती है, शायद या इसके अंदर भी हो सकती है. सो डिफरेंट जहाँ जहाँ जैसे जैसे एक्सेंट्रिसिटी बढ़ाओगे घटाओगे कॉलम डिफरेंटली एक्ट होगा. यहाँ तक कि अगर तुम आप एक्सेंट्रिसिटी को पूरी यहाँ तक एच तक ला दोगे तो वो एज अ बीम एक्ट करेगा, आपका जो कॉलम एज अ बीम एक्ट करेगा, एज अ डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम. तो डिपेंडिंग अपॉन वो उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है, इससे चार या पाँच केसेस बनते हैं. सबसे पहला केस तो ऑफकोर्स ये होगा कि लोड एक्सियल है और कॉन्सेंट्रिक है, मतलब वो उसके सीजी से पास हो रहा है. तो इस केस में क्या होगा, जैसे मैं बताया कि स्ट्रेस जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो कम्प्लीटली एक ऐसा रेक्टेंगल रहेगा जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 0.002, और स्ट्रेस भी क्या होगा टोटली रेक्टेंगुलर होगा जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 0.45 FCK. तो इस केस में कॉलम की स्ट्रेंथ क्या होगी, पी यू, वो क्या रहेगी, इस स्ट्रेस डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाइड बाय कंक्रीट का एरिया, सो दैट विल बी 0.45 FCK. कंक्रीट के एरिया है ए सी प्लस स्टील का जो हम डिज़ाइन करते हैं जब स्टील का LSM में हम लेते हैं 0.87 FY, और स्टील का एरिया है ए एस सी. ये रहा माइल्ड स्टील के लिए. और हाई यील्ड अगर हम टॉर्स स्टील यूज़ करते तो तब क्या रहेगा, 0.45 FCK ए सी प्लस इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.15 से, सो ये आएगा 0.75 FY ASC टॉर्स स्टील के लिए. अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा लोड कॉन्सेंट्रिक नहीं होता, वो थोड़ा बहुत एक्सेंट्रिसिटी रखता है. तो IS कोड हमें क्या बताता है कि कभी भी आप कॉलम को डिज़ाइन करते हो तो आप ये अज्यूम करो कि आप 20 mm मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी अज्यूम कर रहे हो डिज़ाइन करते वक्त, कि इन रियलिटी अगर 20 mm तक के अगर लोड एक्सेंट्रिक हो जाता है तो भी आपका कॉलम क्या है, सेफ रहेगा.
तो इस केस में हम क्या करते हैं, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन हम स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं 11% तक के रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर हम 11% रिड्यूस करते हैं तो इसका हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, 0.89 पी यू 0.45 सी के सी प्लस। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 0.89 कर दूंगा तो मुझे मिलेगा और ये इक्वेशन हम माइल्ड स्टील के लिए भी यूज़ करेंगे और टॉर्च स्टील के लिए। ये इक्वेशन आईएस कोड में दिया गया है और इस इक्वेशन को वैलिड रहने के लिए हमें ई मिनिमम का चेक देना पड़ेगा जो कि है ई मिनिमम इक्वल्स एल बाय 500 प्लस एच बाय 30। यहाँ पे एच जो है लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम है, जो भी उसकी छोटी साइज है डायमेंशन है वो रहेगी। अगर हम इसे वैल्यू हम डालने के बाद हमें 20 mm से कम नहीं मिलना चाहिए, या तो वो इक्वल होना चाहिए 20 mm के या 20 mm से ज़्यादा होना चाहिए। जब इन दोनों में से कोई एक होगा तो हम ये इक्वेशन डिज़ाइन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। अगर 20 mm से कम आता है किसी भी केस में तो हम ये इक्वेशन डिज़ाइन करते वक्त नहीं यूज़ कर सकते, हमें एक्चुअल कंप्रेशन और यूनिएक्सियल बेंडिंग को अज्यूम करना पड़ेगा। सो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। सो हम अज्यूम करते हैं कि लोड एक्सेंट्रिक है, वो एक्सियल कभी नहीं होता, वो कॉन्सेंट्रिक कभी नहीं होता। तो इस केस में उस पर एक मोमेंट जनरेट होगा जिसकी वैल्यू होगा पी इंटू ई, और उस एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी एम अपॉन पी यू। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेंट्रिसिटी बहुत सारे केसेस होंगे, जैसे जैसे हम एक्सेंट्रिसिटी बढ़ाते जाएंगे उसकी न्यूट्रल एक्सिस बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर पहला केस ये होगा कि वो लोड हमारा कॉन्सेंट्रिक है, वो बराबर सी जी से एक्ट हो रहा है, तो इस केस में उसका स्ट्रेन डायग्राम रेक्टेंगुलर होगा और स्ट्रेस डायग्राम भी रेक्टेंगुलर होगा, और उसका इक्वेशन फॉर माइल्ड स्टील होगा 0.45 सी के प्लस 0.7 FY ASC, और टॉर्च स्टील में हम स्टील का वैल्यू 1.15 से डिवाइड कर देंगे एज अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। फिर यूजुअली हम आईएस कोड में ये अज्यूम कर आईएस कोड के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं, तो ये अज्यूम करते हैं कि 20 mm मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी कॉलम में होती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉलम का जो स्ट्रेंथ है उसको 11% तक रिड्यूस कर देंगे। इसलिए अगर हम इसलिए इस इक्वेशन को हम वापस दोबारा लिखेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, और ये वाली इक्वेशन कब वैलिड होगी, जब ई मिनिमम का वैल्यू जो है हमारा 20 mm या 20 mm से ज़्यादा होगा। अगर 20 mm से अगर आपका एसेंट्रिसिटी कम आता है तो हम उसे एज अ कॉलम एज अ यूनिएक्सियल मेंबर डिज़ाइन करेंगे, उसमें बेंडिंग भी होगी प्लस उसके अंदर कंप्रेशन भी होगा। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, और अगर कुछ क्वेश्चन या डाउट हो गए तो प्लीज़ कॉमेंट करें, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।